आज मैं आपको अमरूद की एयर लेयरिंग करने के बारे में बताऊंगा। एयर लेयरिंग जिसे हम गुट्टी बांधना भी कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक डो बनाना है। ये मैंने मिट्टी ली है और ये मेरे पास गोबर है। सबसे पहले गोबर और मिट्टी को मिक्स कर लेना है। ये देखिए, जिस तरह से सॉफ्ट डो बना लेना है। और उसके बाद चाकू की मदद से जो अमरूद की जो टहनी होगी उसकी जो ऊपर जो लेयर है उसे चाकू की मदद से काट देना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, ऊपरली चमड़ी को चाकू के साथ उतार देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद इस रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दालचीनी का भी कर सकते हैं। और जो हमने जो डो बनाया है मिट्टी और गोबर के मिश्रण से, उसे इस टानी के ऊपर अच्छी तरह से टानी को कवर कर देना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, जो कटा हुआ जो भाग है वो उसे हमने अच्छी तरह से मिट्टी के साथ कवर कर दिया। और उसके बाद पॉलीथीन शीट से इसे अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि जो हवा भी इसमें क्रॉस ना हो सके। और उसके बाद इस पॉलीथीन को धागे के साथ अच्छी तरह से बांध देना है और इसे 4-5 हफ्तों के लिए छोड़ देना है। तीन हफ्तों के बाद हमें जो हमने जो पॉलीथीन से कवर किया था उस पॉलीथीन को उतार देना है और देखना है कि रूट्स की जो ग्रोथ हुई है या नहीं। एयर लेयरिंग हमेशा मई और जून के महीने में होती है। ये देखिए, हमने जो अमरूद की जो एयर लेयरिंग की थी उसमें से ये रूट्स हैं, जो उनकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे रूट्स हैं जो एयर लेयरिंग में बनी है। और अब आप क्या करना है, ऊपर से उसे काट कर अपने आप गार्डन में इसे लगा सकते हैं।